हाई गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम रागनी। सो इन दिस वीडियो, जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज के वीडियो में मैं अपने बाल काटने वाली हूँ। सो हाँ, क्योंकि मैं अपने बालों से काफ़ी ज़्यादा बोर हो गई हूँ और मुझे एक ही हेयर स्टाइल हमेशा रखना पसंद नहीं है। मैं करवाती रहती हूँ कटिंग, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से हम पार्लर नहीं जा सकते और मेरा बहुत बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, मतलब कुछ न्यू लुक का, कुछ न्यू हेयर कट का। सो मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी हेयर बैंग्स काटूंगी, मतलब ये जो सामने के बाल है ना, इनको मैं एकदम छोटा छोटा कर लूँगी। एंड या आई एम वेरी एक्साइटेड एंड एज वेल एज नर्वस, क्योंकि इट्स द सेकेंड टाइम, नॉट फर्स्ट, इट्स द सेकेंड टाइम आई एम कटिंग माई हेयर्स बाय माई ओन। क्योंकि फर्स्ट टाइम क्या हुआ था ना कि मतलब मैंने बहुत ही ज़्यादा छोटे कर लिए थे, फिर बाद में मुझे बहुत बुरा लगा था एंड फिर उनको बढ़ने में भी टाइम लग जाता है। तो अगर आप ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ 100 बार सोच लेना पहले, उसके बाद ही करना। एंड क्योंकि फिर अगर कुछ गलत आपने ऐसा कटिंग कर लिया तो फिर बाद में ऐसे लगता है कि आप क्यों कर लिया। सो ओके, ठीक है, तो अभी देखते हैं मेरे साथ क्या होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा नर्वस होगा, बट कोई बात नहीं, करना पड़ेगा। अब सोच ही लिया है तो करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लेती हूँ एंड यहाँ पे आपको बीच से मांग निकालनी है। यार मेरी बीच से मांग ही नहीं निकलती, पता बहुत डिफिकल्टी आती है, इधर उधर हो जाते हैं सारे बाल। पूरे बालों में अच्छे से कॉम्ब करना है। सो मैं ज़्यादा छोटे नहीं करूँगी, बस मुझे सामने का एक लुक चाहिए। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपने बालों को सिक्योर कर लेना है दो पोनी करके इस तरीके से, क्योंकि मैं नीचे के बाल काटने वाली हूँ पहले, क्योंकि मुझे लेंथ थोड़ी कम करनी है। एंड आप देख सकते हो कि मेरे जो नीचे के बाल हैं थोड़े डैमेज हो गए हैं, दो मोहे जो भी कहते हैं, तो उनको मुझे हटाना है। तो मैं नीचे के बाल थोड़े कट कर रही हूँ ताकि लेंथ थोड़ी कम हो जाए। एंड प्लीज़ मेरे एक्सप्रेशंस आप इग्नोर करना, मैं ऐसे अजीब से एक्सप्रेशंस दे रही हूँ। एंड गाइस, पता मैं ना वीडियो के बाद बहुत ज़्यादा डांट खाने वाली हूँ घर पे, क्योंकि मैंने पापा की ये सीज़र लेके आ गई उनसे बिना पूछे। सो गाइस, ये हो जाने के बाद आप अपने बालों को थोड़ा सा और इस तरीके से इक्वल कर सकते हो, बराबर कर सकते हो। एंड ये चीज़ आप बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा आराम से करना। मैं ऐसे फास्ट में इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आप बोर ना हो जाओ। 2000 years later. सो नीचे के बाल मेरे कट हो चुके हैं एंड यहाँ के थोड़े लेंथ ज़्यादा थी, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और कट कर ले रही हूँ, इक्वल हो जाएंगे। एंड अभी आप देख सकते हो कि मैंने अपने बाल काट लिए हैं एंड अभी हम काटेंगे हेयर बैंग्स। तो पहले आप देख लो कि लेंथ कितनी है मेरे हेयर्स की। अच्छे से आप पीछे पूरे बाल को फ्लश कर लेंगे। ओके, सो तो मैंने ये वाला सीजर लिया है, ये मैं पापा के दाढ़ी वाले बॉक्स पे लेके आई हूँ, चुरा के लाई। अभी इसका कोई शेप ही नहीं दिख रहा है क्योंकि पहले हमें स्ट्रेटनिंग करना पड़ेगा, उसके बाद शेप दिखेगा। तो उसके लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ बायोटेक का सीरम। ये स्ट्रेटनिंग के पहले अगर आप अपने बालों पे अप्लाई करते हो तो आपके बाल इसके स्ट्रेटनर के जो हीट आती है उससे आपके बाल डैमेज नहीं होंगे। तो आपको बस इसके कुछ ड्रॉप्स लेने हैं इस तरीके से। एंड अगर आप पूरे बालों पर अप्लाई करते हो तो थोड़े ज़्यादा ले लेना, मैंने सिर्फ सामने के बालों पर अप्लाई करना है तो मैं थोड़ा ही सा ले रही हूँ। अच्छे से इसको अपने बालों पे आपको लगा लेना है, उसके बाद ही आप स्ट्रेटनर का यूज़ करना, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट स्ट्रेटनर का यूज़ करोगे अपने बालों पे तो आपके बाल जो हैं जल्दी डैमेज हो जाएंगे। तो पूरे बालों पे लेते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लेना, क्योंकि इट्स जस्ट काइंड ऑफ वाटर, मतलब इसका जो ये एकदम वाटर की तरह है। एंड ये अभी समर के टाइम पे बेस्ट सीरम, आप देख सकते हो। एंड अगर आपके पास ये वाला सीरम नहीं है और आप चाहते हो कोई दूसरा, तो मेरे पास एक सीरम और है, ये स्ट्रीक्स का सीरम है। ये भी बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आप कहीं पार्टी वगैरह में जाते हो या फिर आपको कुछ शूट करना है, वीडियो वगैरह फोटोज क्लिक करनी है, या फिर नॉर्मली भी इससे अपने बालों पे अप्लाई कर सकते हो। थोड़ी सी क्वांटिटी में करना, ज़्यादा करोगे तो बाल थोड़े चिपचिपे से दिखने लगेंगे। तो थोड़ी सी क्वांटिटी में आप इसे अप्लाई करो अपने पूरे बालों पे अच्छे से हाथ में रब करके, तो इससे क्या होगा कि आपके बाल जो एकदम सुपर शाइनी और सिल्की दिखने लगते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट देता है ये। लेकिन इसको डेली यूज़ नहीं करना, जब आपको लगे कि हाँ हमें ज़रूरत है तभी आप इसको यूज़ करना। एंड हाँ, हीटिंग के पहले, मतलब कि जब आप स्ट्रेटनिंग या कर्लिंग करते हो तो उसके पहले आप इसको अप्लाई ज़रूर करना, तो उससे आपके बाल डैमेज नहीं होंगे।
सो गाइज अभी हम कट करेंगे हेयर बैंग्स, तो उसके लिए आपको अपने बालों को इस तरीके से सामने ले लेना है जितने भी बाल आप काटना चाहते हो। उसके बाद इस तरीके से आपको दोनों साइड में कुछ बाल छोड़ देने हैं क्योंकि ये अच्छे लगते हैं। एंड आपको जितनी लेंथ चाहिए आप उतने कट कर सकते हो, लेकिन एकदम से ज़्यादा मत करना, थोड़े थोड़े करके करना। एंड थोड़े थोड़े करके आप लेंथ कम कर सकते हो। इस तरीके से मैंने नोज़ तक लेंथ रखी है एंड अभी मैं इसको थोड़ा सा कर्ल करके देखती हूँ। अगर अच्छा लग रहा है तो ठीक, नहीं तो फिर मैं थोड़े से और कट कर लूँगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, एकदम से ज़्यादा मत काट लेना। एंड ठीक है, मुझे ये इतना अच्छा लग रहा है, थोड़ा बहुत मेरे आइस पे आ रहा है, बट मुझे यही चाहिए। सो गाइज ये हेयर स्टाइल मेरी फेवरेट इसलिए है क्योंकि इसमें अपना जैसे आपको कहीं जाना है तो आप इंस्टेंटली जाने के लिए रेडी हो सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, जस्ट आपको ऐसे पोनी करना है। एंड ये पोनी के बाद करने के बाद में भी ना बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है आपके फेस पे एंड आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, जस्ट आप ऐसे हाई पोनी करोगे। That's it for the video guys, अभी हम वीडियो एंड करते हैं एंड आप मुझे कॉमेंट्स में बताना कि आपको मेरी हेयर कटिंग कैसी लगी। तो अगर आपको पसंद आई तो आप भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन बी केयरफुल, बहुत ही धीरे धीरे बहुत आराम से करना अगर करते हो तो। एंड ये हेयर स्टाइल के बेनिफिट्स तो मैंने आपको बताई दिए हैं कि कितनी क्यूट लगती है। एंड अगर आपको पसंद है तो आप जरूर ट्राई करना एंड अगर करते हो तो मुझे कमेंट में बताना। एंड मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूँ, फोटोशूट आइडियाज और पोजेस से रिलेटेड, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।